हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है गया व्हाट इज़ डिवेलपमेंट एनवायरनमेंट। डिवेलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब की होंगे बेटा, अपने डिवेलपर्स होंगे जो प्रोग्रामरस होंगे ने उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन बनाने वास्ते या प्रोग्राम बनाने वास्ते अपन की चीज़ों की लोड़ पैंती है उन्होंने डिवेलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। किवें अपन स्क्रीन चाहिए जिथे आप कोड लिखना, ठीक है, वो होंगे डिवेलपमेंट एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल्स ने दी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, एक्लिप्स, नैटबीन्स, अडोब फ्लैक्स बिल्डर, ग्लेड, ठीक है। तो टाइप्स कि डिवेलपमेंट एनवायरनमेंट की लैंग्वेज सेंट्रल एनवायरनमेंट ये जिसे एक लैंग्वेज में जो किया लिखा जाता कोई भी एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एनवायरनमेंट ये अलग मतलब कि मल्टी मैन्यूपुलेट आप स्ट्रक्चर्स में मैन्यूपुलेट कर सकते हैं सीधा डायरैक्टली स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं। टूल किट एनवायरनमेंट ये आपको कलैक्शन ऑफ टूल्स प्रोवाइड कराती है जिसे मतलब कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंगुएजेस आप यूज़ कर सकते, ठीक है। हुण आप सी लैंग्वेज बारे पढ़ रहे हैं ना, आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम डिवेलपमेंट एनवायरनमेंट की होंगे, ठीक है। जे कहते आप सी दे एनवायरनमेंट सैट करना तो आपको दो सॉफ्टवेयर की लोड़ पेगी, एक हो गया अपना टैक्सट एडिटर और दूजा हो गया अपना सी कंपाइलर, ठीक है। सब तो पहले आप टैक्सट एडिटर बारे पढ़ते हैं कि होंगे टैक्सट एडिटर की होंगे, यह यूज़ होंगे ये अपने टाइप प्रोग्राम की टाइप वास्ते यूज़ होंगे, ठीक है। अपने को विंडोज़ के जिमें नोट पैड हों, एक एडिट कमांड हों, ब्रीफ एप्लिक्स एप्सिलन हों, मैक्स हों, विम हो गया, ठीक है। जिन्हों के आप कोई भी जो अपना टैक्सट है उन्होंने लिखते हैं उन्होंने कहा जाता टैक्सट एडिटर, ठीक है। नेम तो वर्जन ऑफ टैक् यह अलग अलग हो सकते हैं, नेम भी जो टैक्सट एडिटर के नेम और वर्जन, ठीक है। जो नोट पैड मतलब कि अलग हो सकता है, विंडोज से अलग होएगा, लाइनक्स से अलग होएगा, ठीक है। अलग अलग ये वर्जनस भी आते रहते हैं। तो आप जो मतलब कि एडिटर के फाइल्स क्रिएट करा उन्होंने की कहा जाता सोर्स फाइल्स, ठीक है, जो आप सोर्स कोड भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने फाइल्स में सेव किया जाता डॉट सी एक्सटेंशन के नाल, ठीक है। जो आप कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी होंगी है तो आपको टैक्सट एडिटर एक ना एक टैक्सट एडिटर तो चाहिए होंगे जिसे आप अपनी फाइल में राइट कर सकी और उन्होंने सेव करके बाद एग्जीक्यूट कर सकी। और सी कंपाइलर, सी कंपाइलर की होंगे बेटा, ये की सॉफ्टवेयर है जिसे आप जो भी सी का सॉफ्टवेयर है जो आप कोई भी प्रोग्राम बना लें तो वह सी कंपाइलर के थ्रू है जो एग्जीक्यूट होंगे। हम देखो नोटपैड के बीच सिंपल प्रोग्राम लिख लिया और उन्होंने आप रन करना है, ठीक है। तो आप सी कंपाइलर के थ्रू रन करांगे, ठीक है। सी कंपाइलर भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मतलब कि टाइम टू टाइम जोड़े अपडेट होंगी रहती है, ठीक है। नैक्सट अपना टॉपिक है प्रॉब्लम दिया टाइप्स। आप पहला भी पढ़िया सब तो स्टार्टिंग भी अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होंदिया ने, ठीक है। उन्होंने आप सॉल्व करना होंगे अपने कोई जिदा अपन कोई भी आंसर नहीं मिल रहा उन्होंने आप प्रॉब्लम कह दें। वो टाइप्स कि आ जाए लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक है। कहना प्रॉब्लम क्लासीफिकेशन ऑलसो आइडेंटीफाई द प्रॉब्लम टाइप न मे गिव यू आइडियाज़। आप प्रॉब्लम टाइप्स आप आइडियाज़ देंगे ने आप किमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। ये टाइप्स ने जिम्मे पहली टाइप है सॉर्टिंग, ठीक है, जिसे आपने की करना होंगे आप सॉर्ट करते हैं प्रॉब्लम भी अपन डेटा दिता उन्होंने एक तरीके दे नाल आपां नूं लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि सीकुएंस लिखते हैं सर्चिंग, सर्चिंग की आप सर्च की यूज़ करते हैं जिदे अपना डेटे के कुछ भी सर्च करना उन्होंने सर्च करना आसान होंगे। स्ट्रिंग प्रोसैसिंग, स्ट्रिंग का मतलब भी जो अपने कोई भी लाइनज ने लाइनज के डेटा है, ठीक है, इंग्लिश लैंगुएज डेटा है तो उन्होंने आप स्ट्रिंग्स के रूप के प्रोसैस करते हैं। ग्राफ प्रॉब्लम, जो आप किसी भी प्रॉब्लम ग्राफिकली सॉल्व करना है ग्राफ्स के थ्रू सॉल्व करना है वो आप ग्राफिक प्रॉब्लम्स कह देंगे ने। कॉम्बीनेटोरियल प्रोग्राम्स प्रॉब्लम्स कि होंदिया ने जिन्हों के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बीनेशन बनाया जाता है। एक जियोमैट्रिक प्रॉब्लम होंदी है, ठीक है, जिदे मतलब कि मैथमैटिकल प्रॉब्लम्स होंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के भी जी मैथमैटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। ये से अपन टाइप्स ने प्रॉब्लम्स दियाँ, इन्होंने आप किए सॉल्व करना आप पहला इन्हों पढ़ चुके हैं भी आप एलगोरिदम बना सकते हैं आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू इन्हों सॉल्व कर सकते हैं। तुसी लास्ट वीडियो इन्हू देख सकते हो सॉल्व करनी टेक्नीक्स। और प्रॉब्लम एनालिसिस की होंगे बेटा, ये की होंगे प्रोसैस होंगे जिसे आप प्रॉब्लम में छोटे छोटे हिस्सों वंड दें जिदे कि आपको आसानी हो जाए प्रॉब्लम में समझन, जिम्मे आप एलगोरिदम बना लीए जो फ्लो चार्ट बना दीए उस आपको आसानी हो जाती है आप किमें जी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम की डेफिनेशन पहला दी जाती है, ठीक है, भी किमें आप अपनी प्रॉब्लम हैगी की है,
ठीक है, पर की सॉल्व करना या की करना है वह होंगी प्रॉब्लम की डेफिनेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग दे विच आपां टेक्नीक्स रिफाइन करते आपां किवें प्रॉब्लम नूं स्टैप बाय स्टैप है जिहड़ा मतलब कि सॉल्व करना है। एनालाइज दे विच की हुंदा, प्रॉब्लम नूं चैक किया जाता भी प्रॉब्लम दे विच कोई मिसटेक्स तो नहीं है, अपनी सही प्रॉब्लम है जिहड़ी लिखी गई उस तो बाद उहनूं आपां रन करके अपनी आउटपुट लै सकते। ठीक है, दो अप्रोचिज हुंदियां ने बेटा सी लैंग्वेज दे विच, एक टॉप डाउन अप्रोच एक बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच दे विच की हुंदा मेनली, ठीक है, ये की हूँ भी अपनी जी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपां नूं चैक करते हैं उपरों लैके थले तक। ठीक है, भी पहला एक एक प्रॉब्लम होंगी उन्होंने अगे अगे जिहड़ा मतलब कि डिवाइड किया जाता है उन्होंने टास्क दे विच, ते अगे टास्क जिहड़े उहदे अगे मतलब कि टास्क डिवाइड किए उन्होंने फिर अगे छोटे छोटे हिस्सों वंडिया जाता, अगे अगे मतलब कि प्रोसैस चलती रही। ये एडवांटेजेस की है, आपां नूं मतलब प्रॉब्लम नूं डिवेलप करना आसान होंदा, उन्होंने लिखना आसान होंदा, टैसटिंग ईजी हो जाती है, डिबगिंग ईजी हो जाती है, आपां नूं समझना आसान होंदा। ठीक है, जिमें देखो एक है रेलवे, अपने कोई भी रेलवे रिजर्वेशन है वो आपका ट्रेन लै ली, ट्रेन तो अपन स्टेशन चैक करना पेगा, स्टेशन तो अपन पसेंजरस चैक करने पैणगे भी पसेंजर जगह हैगी है ट्रेन के, फिर आप टिकट्स उस तो बाद अपन मिलती है। ठीक है, मतलब कि टॉप टू बॉटम मतलब कि उपरों लैके जो नीचे तक जो प्रोसैस चलता उन्होंने टॉप डाउन टॉप बॉटम अप्रोच कहते हैं। बॉटम अप अप्रोच की होंगी है बेटा, ये होंगे इसे सब तो पहला बॉटम लैवल मड्यूल्स नू डिवेलप किया जाता है। ठीक है, उस तो बाद उपरले जिहड़े मड्यूल्स ने उन्होंने चैक किया। ठीक है, उहदे सब तो पहला मतलब कि टॉप वाले नू चैक किया जाता, फिर वो नीचे वाले चैक किया, इहदे सब तो पहला डाउन वाले नू चैक किया जाता, फिर वो तो उपर नू चलते। देखो ये कि एरोज़ ने जिहड़े नीचे वाले डायग्राम च उपर नू बने ने ना, कि नीचों स्टार्ट हुंदी है प्रोसैस, फिर एवें उपर उपर नू चलती है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है बेटा, यह अपना अज का टॉपिक, ये तो जो फस्ट यूनिट है वह कंप्लीट हो चुका है। जे किसी कुछ नहीं समझ लगे तो अपना ग्रुप के मैसेज करके मेरे तो क्लीयर कर सकते। ओके, थैंक यू एवरीवन।